मैं आ गया हूँ अभी रेस्टोरेंट के अंदर। आप देख सकते हो ये रेस्टोरेंट पूरी खाली पड़ी हुई है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा है मेरा। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। दिस इज अमन गनी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 7 डेज फास्ट फूड चैलेंज का डे 7 एंड आज मैं आया हूँ झिलमिल रेस्टोरेंट। मैं आपको रेस्टोरेंट दिखाना है सामने से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख सकते हो छोटा सा स्विमिंग पूल है इसके अंदर, और यहाँ पे होटल भी है, और इस साइड अंदर के साइड है झिलमिल रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे हमें काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ ट्राई करना है। अमृतसरी कुलचा, लस्सी और नूडल्स। यह रेस्टोरेंट झिलमिल रेस्टोरेंट, एंड इस साइड से जो मैं अभी अंदर से आया हूँ वहाँ पे है स्विमिंग पूल। सो भाई चलो चलते हैं, मैं भी रेस्टोरेंट के अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन है। ओके ये देख सकते हो गाइज, यहाँ पे एक भी बंदे नहीं है और ये रेस्टोरेंट काफ़ी खाली खाली सा भरा हुआ है। तो इस रेस्टोरेंट का इंटीरियर कुछ ऐसा है और ये काफ़ी पीसफुल है, आप आ सकते हो अगर आपको यहाँ आना है तो। ये हमारी यूनिवर्सिटी के जो है ना जस्ट पास में ही है, मुलाना से थोड़ा सा जो है ना जस्ट पीछे है। और यहाँ पे मैंने जो ऑर्डर किया है वो है लस्सी और साथ में अमृतसरी कुलचा, वाइट सॉस पास्ता एंड नूडल्स। नूडल्स मैं बहुत टाइम के बाद ट्राई करने वाला हूँ, वहाँ पर आने वाला है। सो भाई जैसे ही आता है मैंने आपको अभी दिखाना है। एंड लाइटिंग यहाँ पे का थोड़ा कम है अकॉर्डिंग टू मी, पर यहाँ पे आप अगर आओगे तो यहाँ पे आपको जस्ट डिनर करना है तो ओके ओके है। पूरे 7 दिनों से फास्ट फूड खा रहा हूँ एंड आज लास्ट दिन है। जो मैंने ऑर्डर किया है वो सारा कुछ आ चुका है, मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। और बाय द वे ये रेस्टोरेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस टाइम में, बिकॉज ये खाली पड़ी हुई है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ यहाँ पे। सो भाई तो मैं आपको सामने से दिखाता हूँ जो मैंने मंगवाया है। ये आप देख सकते हो, ये है वाइट सॉस पास्ता और ये देख सकते हो नूडल्स जो कि मैं काफ़ी टाइम के बाद ट्राई करने वाला हूँ। और ये है अमृतसरी कुलचा, ये कुलचा और ये छोले, और साथ में जो है ये जो है ना पिकल्स, और ये देख सकते हो लस्सी। सो भाई इतना सारा कुछ हमें यहाँ पे खाना है झिलमिल रेस्टोरेंट में। वैसे तो हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, पर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वाइट सॉस पास्ता से। और ये मैं काफ़ी टाइम से खाना चाह रहा था, पर मुझे आसपास में कुछ ढंग का नहीं मिल रहा था रेस्टोरेंट जहाँ मैं खाऊं। सो भाई चलो चलते हैं। ये मुझे पता है कैसा लग रहा है, ये जो डोमिनोज में मैंने वेज पार्सल खाया था सेम टू सेम वैसे ही लग रहा है मुझे, और वेज पार्सल मुझे डोमिनोज का काफ़ी पसंद है। वेज नूडल्स साथ में सॉस भी है। मैं नूडल्स काफ़ी टाइमों के बाद खा रहा हूँ, 3-4 सालों के बाद। चलो करते हैं अभी से ट्राई। सो भाई तो नूडल्स मुझे ठीक लगा, पर मुझे नूडल्स इतना पसंद नहीं है, फिर भी मैंने बस ट्राई किया है, बस ओके ओके है। एंड अभी जो है ना ये देख सकते हो साथ में लस्सी, ये लस्सी भी ठीक है, स्वीट भी नहीं है और नमकीन भी नहीं है, मिक्स है ये। तो अब मैं ट्राई करने वाला हूँ अमृतसरी कुलचा, और आप देख सकते हो इन्होंने छोले को कितना डेकोरेट करके दिया है, एंड साथ में कुलचा भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो साथ में कुलचा भी है। चलो ये सारे को जो है ना मैं फिनिश करना है अभी, तो फिनिश करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो मैंने कोशिश किया कि मैं सारा कुछ फिनिश कर दूँ, पर मैं सारा कुछ फिनिश नहीं कर पाया बिकॉज बहुत सारा कुछ था ना। पर मैंने छोले कुलचे एंड लस्सी मैंने फिनिश कर दिया, एंड वाइट सॉस पास्ता मैंने हाफ फिनिश कर दिया, एंड वो जो था ना एक नूडल्स वो मैं ऐसे ही नहीं खाता चाइनीज वाइनीज, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत कोशिश किया उसे फिनिश करने का। और ये लास्ट वीडियो था 7 डेज फास्ट फूड चैलेंज का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं एक और अमेजिंग वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलता हूँ, एंड मुझे उम्मीद होगा कि आपने सारी वीडियो देखी है 7 डेज फास्ट फूड चैलेंज का, और ये लास्ट है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो एंड पूरा 7 वीडियो है इसका 7 डेज फास्ट फूड चैलेंज का, इस चैनल पर आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। So bye bye, take care, see you again next amazing video. Sometimes I'm feeling high, but sometimes I'm feeling low. I wanna stay inside, I could call my bed my home. I've been trapped inside my mind, that's what keeps me in the zone.